गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 क्लास प्रीवियस डे वी डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी फैक्टराइज क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो इन एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दैट इज फैक्टर्स एंड इन फर्स्ट एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स एन नाउ बिकॉज इट इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल सो इट हैव थ्री फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स? इट हैव थ्री फैक्टर्स। Okay, then how can we solve it? We'll see. First, you can take this last term constant number and make a prime factor. What is the prime factor? 1 into. So this k according to can write down constant. So kya hoga? X plus 1, a bar plus 3, remember 10, minus 1, and x plus 2 और कैलकुलेट x plus 2। अब आपको एक किसी फैक्टर को चेक करना होगा कि फैक्टर है या नहीं है, तो आप चेक करें लेट x plus 1 इक्वल टू x plus 2 क्या है माइनस 1। पुनः करते हैं इसमें माइनस 1 क्यों 2 इनटू माइनस 1 इसको माइनस 1 इनटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 क्यों माइनस माइनस 2 प्लस 1 प्लस कैंसिल आउट क्या हो गया 0। इट मींस x plus 1 इज ए द पॉइंट। इफ x plus 1 इज नॉट ए फैक्टर देन वी कैन चेक अबाउट x minus 2। अब x minus 1 भी नहीं होगा तो x plus 2 चेक करेंगे, x plus 2 नहीं होगा तो x minus 2 नहीं। मतलब ओवरऑल इससे हमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना है और इनमें से जो भी पॉसिबल फैक्टर होंगे इसमें एक फैक्टर 100% आपको मिलेगा। तो अगर पहला निकला है अगर किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर x plus 1 नहीं होगा x minus 1 चेक करते, x minus 1 नहीं होगा x plus 2 चेक करते, x plus 2 नहीं होगा तो x plus 2 चेक करते। That's clear? So next process, x plus 1 is a factor. So we can divide whole polynomial by x. डिवाइड करें तो x इसको डिवाइड करें तो क्या हो गया x, यहां पे क्या राइट हो इन x क्यूब प्लस क्या हो गया x बाय सबट्रैक्शन माइनस प्लस दोनों क्या हो गए कैंसिल। माइनस 2x² माइनस 6 कितना हो गया माइनस 3x² ठीक है। अब दूसरी चीज समझ लो, अपना हमारे पास पहला टर्म्स क्या माइनस 3x इसको x कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा माइनस 3x इनटू माइनस 3x इसको माइनस 1 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 वन्स आ चेंज क्या प्लस और प्लस ये दोनों कैंसिल प्लस 3x माइनस 6 कितना बचा प्लस 2। नेक्स्ट क्या ले लिया अब इस 2x को x से डिवाइड किया कितना आ गया प्लस 2 इनटू 2x प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए क्या आ क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है तो फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर को हमें 0 ही मिलना चाहिए, ये भी फाइनल है। अब आगे देखिए, सो अदर टू फैक्टर हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x जी इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट यू कैन कंफर्म इन क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 की तरह इसके फैक्टर कर दें तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट कितना होगा 2x स्क्वायर प्रोडक्ट 2x स्क्वायर एडिशन 3 तो माइनस 2x माइनस 6 तो वंस आर 2 तो प्लस 1 x कॉमन लिया x माइनस माइनस 1 कॉमन लिया x तो आपके से x माइनस 2 दोनों से कॉमन ये क्या होगा x
तो दो दो फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर आपने चेक किया था x plus 1, so require फैक्टर क्या हो गए x minus 1, x plus 1, x minus 1 और x minus 1, ये है given polynomial का, ठीक है। तो in this way first part we completed, then we discuss in next part, इन नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट का इसका और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट आपको और सेकेंड आप करेंगे, थर्ड आप, थर्ड में बता रहा हूँ, बाकी सेकेंड और फोर्थ आपको करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, देखिए जरा थर्ड पार्ट समझिए, थर्ड पार्ट में देखिए जरा, कौन सा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट एक्स क्यूब 13x² 32x और प्लस क्या है, ठीक है। अब देखिए जरा इसके हम फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 into 2 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 into
factor. So we can assume that it was x plus 1 0, so x equal to minus 1. First we can take x plus 1. Agar it is a factor that question be that process be completed, this process be completed. If x plus 1 is not factor, then we discuss about x minus 1. If x minus 1 is not factor, then we discuss x plus 2 in this process. Okay? So x equal to minus 1. This way we have to minus 1 13 into minus 1 32 into minus 1 minus 1 के क्या हो गया minus यहाँ क्या 30 into plus ये हो गया minus 32 और plus 2 तो 13 plus 20 ये हो गया 33 और minus 32 minus 2 33 क्या हो गया 0 हो गया it means x plus 1 is a फिर अगर किसी फैक्टर को हमें इस तरह वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है हमें कोई भी नहीं किया अगर तो अब क्या करें इस x plus 1 से इस होल पॉलीनोमियल को आप लेंगे x को 30x को 32x और कुछ क्या लिया x क्यूब को x डिवाइड किया x ठीक है इनटू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x क्यूब फिर तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये तो क्या हो गया कैंसिल 30 माइनस 1 12 ये क्या हो गया 30 12 एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 12 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स माइनस माइनस दोनों कैंसिल माइनस करेंगे क्या होगा 20 नेक्स्ट क्या ले लिया 20 एक्स को 20 से डिवाइड किया क्या हो गया 20 20x और माइनस माइनस दोनों कैंसिल तो रिमाइंडर इट कम्स आउट सी जीरो इट्स फाइनली गोस यू कैन ऑलरेडी राइट डाउन x plus 1 इज अ फैक्टर सो इट्स श्योर कि रिमाइंडर कम्स आउट बी ओके देन आफ्टर वी गेट क्वेश्चन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सो वी कैन मेक ए रिडक्स सो So other two factor x square plus 12 x plus 1 return break apply करेंगे x square that 10 to the 10 plus 2 12 ये हो गया 10 x plus 2 x plus 1 अब क्या करेंगे
x common in x plus 1, 2 common in x plus 1, एक ब्रैकेट में हो गया x plus 1, दूसरे में क्या आ गया x plus 1, तो बेटा required फैक्टर क्या होगा x plus 2 और क्या होगा x plus 10 और तीसरा आपने जांच किया था x plus, तो इस तरह बेटा हम क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं देखें ठीक है। अब सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 देन यू कैन सॉल्व इट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट टू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट सो डिस्कस टू मी बाय व्हाट्सएप देन वी कैन सॉर्ट आउट योर एवरीथिंग ओके। In this way, exercise 2.4 we completed. Then after we introduce some basic identities, that is the most important. In identities को आप समझें, ये identities आप learn करें और next day, next class में हम अगर इस पे बात करें, ठीक है? तो identities some important identities देखें क्या क्या identities हैं उस पर हम बात करते हैं। First a plus b होल a square plus b square second a minus whole square a square plus b square third a square minus b square so a minus b in first bracket and a plus b in second fourth x plus a x plus b ये क्या होगा x square a plus b into a और fifth हमारे पास क्या है a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus c अगर वर्ड आता है एक्सपेंड तो लेफ्ट से राइट हो सकते हैं अगर वर्ड आता है फैक्टराइज तो राइट से क्या समझे अगर वर्ड आता है एक्सपेंड तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा राइट हैंड साइड के फॉर्म में चेंज करना होगा अगर बोलेगा फैक्टराइज तो राइट हैंड साइड के फॉर्म में होगा लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में चेंज सिक्स पे बात करते हैं ए प्लस बी को a cube plus b cube plus 3ab in bracket में होगा a और expand करें तो a cube b cube plus 3a square cube plus 3ab seventh ये a minus b a cube minus b minus 3ab और सिंपलीफाई करें a माइनस b 3a स्क्वायर प्लस 3ab एट अब एट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा a ये होता है a प्लस और सेकंड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस नाइन नाइन क्या है ए क्यू माइनस टू सो ए माइनस बी फर्स्ट ब्रेक सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन के आइडेंटिटी दैट इज ए टेन इज गिवन बेसिक आइडेंटिटी टेंथ पे हम प्रोसेस करेंगे टेंथ आइडेंटिटी जस्ट डिफरेंट
or in number 10 which is different. See, a cube plus b cube plus c cube minus 3 a plus b plus a square plus b square plus c square minus bc of the upper minus c. 11 किसी पे डिपेंड हो, इफ a plus b plus c की वैल्यू क्या हो, जीरो, इसे रिप्लेस करना है तो a cube b cube c cube minus 3 a bc क्या हो जीरो. सो a cube b cube c cube इक्वल टू क्या बनेगा आपका 3. सर ये 11 आर्टिकल्स है, दैट इज वेरी यूजफुल इन क्लास 10 एंड एक्सरसाइज 2.5. 2.5 exercise can be completely depend on that identities. These identities are most important और सबसे marks exam में भी सबसे scoring exercise है. So student, you have need to perform these identities so we can discuss other problems next day on this class. Thank you, sir.